जिला मुख्यालय के समीप दाढ़ी बाईपास पर रिहायशी क्षेत्र में पेट्रोल पंप की कवायद सुरक्षा को खतरा साबित हो सकता है। गैस गोदाम के पास पंप खोलने पर प्रशासन पुनः विचार करे। समाज सेवी अतुल भारद्वाज ने प्रेस वार्ता में कहा कि दाढ़ी बाईपास पर पेट्रोल पंप के लिए प्रस्तावित भूमि के साथ गैस गोदाम है, वहीं एक पार्क भी है। प्रस्तावित स्थान रिहायशी क्षेत्र है जो कि लोगों के लिए खतरा साबित हो सकता है। जिला मुख्यालय के समीप दाढ़ी बाईपास पर रिहायशी क्षेत्र में पेट्रोल पंप की कवायद सुरक्षा को खतरा साबित हो सकती है। गैस गोदाम के पास पंप खोलने पर प्रशासन पुनः विचार करे। समाज सेवी अतुल भारद्वाज ने प्रेस वार्ता में कहा कि दाढ़ी बाईपास पर पेट्रोल पंप के लिए प्रस्तावित भूमि के साथ गैस गोदाम है, वहीं एक पार्क भी है। प्रस्तावित स्थान रिहायशी क्षेत्र है जो कि लोगों के लिए खतरा साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि दाढ़ी बाईपास पर पेट्रोल पंप को लेकर प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए जो कि रिहायशी क्षेत्र में पेट्रोल पंप को लेकर एनओसी देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शीघ्र सूचना के अधिकार के तहत जानकारी एकत्रित करके स्थानीय विधायक और जिला प्रशासन के ध्यान में इस मामले को लाया जाएगा। समाज सेवी अतुल भारद्वाज ने कहा कि शहर में पहले एक पेट्रोल पंप को शहर से बाहर किया गया है, जबकि अब एक नए पेट्रोल पंप के लिए दाढ़ी बाईपास पर पेट्रोल पंप के लिए साइट चिन्हित की गई है। हम पेट्रोल पंप का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके लिए उपयुक्त भूमि का चयन किया जाए। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो आवेदन किया जा रहा है जिला प्रशासन के पास या अधिकारियों के पास एनओसी के लिए, उनको ये देखना चाहिए कि धर्मशाला शहर में जब पहले पेट्रोल पंप था तो उसको शिफ्ट करके बाहर भेजा गया, और उसका कारण था कि यहाँ पे ट्रैफिक हैजरस हो रहा था, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी, लोगों की सेफ्टी की बात थी। लेकिन वर्तमान में अभी जो पेट्रोल पंप है वो दाढ़ी बाईपास के लिए उसको जो है एक साइट निकली है, वो साइट जो है वो वन वे ट्रैफिक के ऊपर है। उस ट्रैफिक के साथ लोगों की रिहाइश है, जहाँ पे प्रपोज्ड साइट है वहाँ पे लोगों की रिहाइश है, उसके साथ एक गैस एजेंसी का बड़ा गेडॉन है, और उसी के सामने बिल्कुल ऑपोजिट साइड जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क बनाया है। तो अगर वहाँ पे ऐसी कोई बात होती है, वहाँ पे साथ में वो वन वे ट्रैफिक है और वन वे में वहाँ पे ट्रैफिक हैजरस होगा, जिसको लेके स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है कि ट्रैफिक फ्री करेंगे, लोगों की सेफ्टी होगी, सब चीज़ें होंगी, तो मुझे लगता है कि जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही के चलते कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं उनकी अनदेखी की जा रही है। तो हमारा ये विरोध नहीं है कि पेट्रोल पंप नहीं खुलने चाहिए, पेट्रोल पंप खोलिए, लेकिन उसके लिए उपयुक्त स्थान का चयन होना आवश्यक है। देखिए, ये जो साइट है ये रूरल साइट है, और रूरल साइट में जो डायरेक्शंस हैं पेट्रोल पंप्स के और से जो डायरेक्शंस जारी की गई थी, उसमें जो नेशनल हाईवे पे रूरल साइट नहीं हो सकती, स्टेट हाईवे पे नहीं हो सकती, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जुडिक्शन के अंदर नहीं हो सकती, जबकि ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट के अंदर है। तो ये साइट तो वैसे ही इसको जो है वो अप्लाई करने से पहले उस व्यक्ति को सोचना चाहिए, और प्रशासन को भी ये देखना चाहिए कि ये उसकी कॉम्पिटेंसी में है भी है कि नहीं है। लेकिन कुल मिला के ये जितनी भी चीज़ है ये आने वाले समय में वहाँ के लोगों की सुरक्षा के साथ और आने वाले समय में जाम की प्रॉब्लम की समस्या जो है वो उत्पन्न होने वाली है, इसलिए हमें लगता है कि प्रशासन को इस और ध्यान देना चाहिए, और जो अधिकारी इस प्रकार की एनओसीज जारी कर रहे हैं उनके ऊपर भी जरा अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए कि क्यों भाई आप इस प्रकार की एनओसी कैसे रिलीज कर रहे हैं, क्या देख के रिलीज कर रहे हैं। आपको अधिकार है एनओसी को देने और ना देने का, तो आपको सोच के इसके ऊपर विचार करके करना चाहिए। आप लापरवाह तरीके से लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।